गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम सीखेंगे फोर लूप के बारे में। तीनों लूप के बारे में मैंने एग्जांपल आपको बता दिया था। अगर उसके सिंटैक्स या उसके काम के बारे में आपको कोई डाउट हो तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, और अगर उसके सिंटैक्स और काम के बारे में आपको कोई डाउट नहीं है तो हम लूप का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम को समझते हैं कि फोर लूप का प्रोग्राम में क्या रोल होता है। मैं आपको आज उदाहरण के रूप में एक प्रोग्राम बताऊंगा जिसमें फोर लूप का यूज करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा इस फोर लूप के लिखने से क्या फ़ायदा होगा। तो एक बार मुझे आप लोग बता दें कि आपको फोर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप तीनों का सिंटैक्स जो समझाया था, बेसिक चीज़ें समझ में आ गई कि किसी काम को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। क्या करता है, किसी काम को बार बार रिपीटेशन ये खुद कर देता है, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है और हमें एक ही लॉजिक को बार बार चलाना है तो बार बार लिखने में बहुत टाइम बेकार होता है, और उसे लिखने में जो स्पेस है वो भी ज़्यादा यूज होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि समय और स्पेस दोनों को बचाने के लिए लूप का यूज कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं फोर लूप के एग्जाम्पल के बारे में। सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया था, अगर सिंटैक्स आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्लियर है सबको। अब हम उसे एग्जाम्पल के रूप में एक प्रोग्राम में यूज करके देखते हैं। सबसे पहले फोर लूप के बारे में, ठीक है। फोर लूप में सबसे पहले हम प्रोग्राम की कोडिंग करना शुरू करते हैं। हेडर फाइल होगी आईओ स्ट्रीम डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट ऑडियो डॉट एच जिसे बोलते हैं, इसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन के बाद। वेरिएबल का नाम दिया हमने इंटीजर आई, एक ही वेरिएबल दिया जिसका नाम है आई। अब इसका यूज करके देखते हैं। जो मैंने सिंटैक्स बताया था बिल्कुल वैसे ही लिख रहा हूं। फॉर आई इक्वल्स टू वन, ये प्रोग्राम है 1 to 100 प्रिंट करने का। सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया, 1 to 100 नंबर्स प्रिंट करने का प्रोग्राम। ऐसा आ जाएगा आपके लिए कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 100 नंबर्स, write a program in C++ to print 1 to 100 numbers। बच्चों सभी लाइव बने रहना, क्योंकि थोड़ी देर 15 से 20 मिनट का समय देके आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इसीलिए जितना कोऑपरेशन हमारी तरफ से है उतना आपकी तरफ से भी होगा, तभी आपको क्लियर होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको कि हम 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना है। तो एक उसमें इंक्रीमेंट होगा, 2 होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 3 होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 4 होगा। तो इस तरीके से एक ही काम को बार बार रिपीट करना है, रिपीट करना है, इसलिए हमने लूप यूज करना है। अब देखो, हम 1 से 100 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रारंभिक वैल्यू क्या है, 1। तो आई कहाँ से शुरू करेगा, आई की वैल्यू 1 से, और कब तक करेगा ये आप बताएंगे इनिशियलाइजेशन के बाद। कंडीशन में अपने कंडीशन क्या है हमारी कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100, मतलब 100 से छोटी है अगर तो प्रिंट करते रहो, 100 के बराबर है तब भी प्रिंट कर दो, 100 से बड़ी हो तो प्रिंट नहीं करना। समझ में बात क्लियर है। आई की वैल्यू 1 से शुरू करो, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 100 तक चलना है। और आई में इंक्रीमेंट कौन करेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर करेगा, आई प्लस प्लस लगा दिया। देखिए एक लाइन में इस फोर लूप में हमने 3 बातें बताई। पहली बात बताई कि आई की वैल्यू 1 से शुरू करना है, दूसरी बात बताई आई की वैल्यू जब तक 100 से छोटी, 100 के बराबर है तब तक चेक करना है इस काम को, और आई में इंक्रीमेंट करने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब करना क्या है इसी के अनुसार, ये फोर लूप की बॉडी है, बॉडी ओपन करेंगे फोर लूप की, इस बॉडी में लिखना क्या है मैं इस साइड लिखता हूँ क्योंकि ये विजिबल नहीं होगा नीचे लिखूंगा तो। प्रिंट करा देना है, प्रिंट के लिए एक फंक्शन होता है सी आउट,
आउटपुट फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है सी इन जो कि इनपुट फंक्शन होता है। तो आपको इनपुट और आउटपुट फंक्शन दोनों पता होना चाहिए। सी इन इनपुट फंक्शन है सी प्लस प्लस का और सी आउट आउटपुट फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे आउटपुट लेना चाहता हूँ, तो सी आउट में मैंने क्या लिखा, किसे प्रिंट करा दो, आई को, आई मतलब आई के अंदर की वैल्यू को, और ये एंड एल लगा दिया, इसका मतलब होता है कि नई लाइन में आई की जो वैल्यू आती रहेगी वन, वन के बाद टू अगली लाइन में, फिर थ्री अगली लाइन में, फोर अगली लाइन में। तो इस तरीके से ये जो लगाया एंड एल, इसका काम ये है कि जो वैल्यू हमने दी है आई की वैल्यू जो भी आएगी एक बार प्रिंट करने के बाद अगली वैल्यू को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। क्लियर है इतनी बात। अब ये प्रिंट करने के बाद इस बॉडी को क्लोज कर देते हैं और गेट सी एच फंक्शन लगाते हैं, और सबसे पहले मेन फंक्शन के बाद वाला जो ब्रेस ओपन है इसको लास्ट में क्लोज कर देते हैं। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब आप इसे देख सकते हैं कि हम 1 to 100 प्रिंट करने के लिए 100 लाइंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। आप एक ही लाइन में हमने बता दिया एक से शुरू करो और आई की वैल्यू जब तक 100 ना हो जाए तब तक बार बार प्रिंट करो, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। मैंने आपको सिंटैक्स में भी बताया था, सिंटैक्स में मैंने बताया था आपको आई इक्वल्स टू वन मतलब इनिशियलाइजेशन कंडीशन कब तक चलानी है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बढ़ाना या घटाना। आई माइनस माइनस का भी यूज कर सकते हैं जैसा प्रोग्राम। अगर ये कहा जाए कि 100 से लेकर 1 तक प्रिंट करना है तो आई की इनिशियल वैल्यू 100 दोगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दोगे, एक से बड़ा हो या एक के बराबर हो, और आई प्लस प्लस की जगह आई माइनस माइनस आ जाएगा। 100 के बाद माइनस होगा तो 99, फिर 98, 97। तो इस तरीके से आई की वैल्यू में बार बार डिक्रीमेंट कराना है तो डिक्रीमेंट भी लगा सकते हैं जैसी आपकी नीड है। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी मुझे ऐसा लगता है। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट कैसा आएगा। इसको जब आप रन कराएंगे तो सीधे आउटपुट इसका आ जाएगा इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही 100 तक ये आउटपुट आएगा। ये 100 तक प्रिंट करने के लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ी विद द हेल्प ऑफ फोर लूप। लूप ने क्या किया, अपने आप ही इस वाले को बार बार प्रिंट करा। आई की वैल्यू पहले 1 प्रिंट करा दी, फिर आई की वैल्यू बढ़ा दी इसने तो 2 हो गई, 2 छोटा है 100 से, यस, तो फिर से प्रिंट कर दिया, इस बार 2 प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट हुआ 3 हो गया, 3 को कंडीशन में चेक करने गया, 3 छोटा है 100 से, यस छोटा है तो प्रिंट कर दो, इस बार आई की वैल्यू 3 प्रिंट कर दी इसने, फिर आई में इंक्रीमेंट किया इसने। तो लूप का मतलब ये बार बार कंट्रोल यहाँ आ रहा है, कंट्रोल यहाँ आने के बाद वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, फिर कंट्रोल कंडीशन की तरफ आ रहा है, कंडीशन चेक करने पर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल यहाँ आ रहा है, प्रिंट करा दे रहा है। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही 100 तक जितनी बार भी ये लूप में वैल्यू बढ़ाएगा उतनी बार आएगा चेक करने, चेक करने पर कंडीशन ट्रू मिलेगी तो ट्रू मिलते ही ये प्रिंट कर देगा। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक की कंडीशन एक लाइन में हमने लिख दी है, इसको ये चेक करेगा और प्रिंट करता रहेगा। आप सभी को मेरी बात क्लियर हो रही है, अगर क्लियर है तो आप इस बार इसको एक बार नोट कर लें। ये जो लिखा है मैंने ये इसका आउटपुट है, अलग से लिख लेना, प्रोग्राम आपका यहाँ पे एंड हो गया है, यहाँ तक आपका प्रोग्राम है और ये नीचे इसके आउटपुट है। तो आउटपुट में जैसे आप प्रोग्राम बनाने के बाद रन कराएंगे तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा 1 to 100। ये एक छोटा सा एग्जांपल बताया है। इसी तरीके से लूप का यूज करके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आप यूज करते हो उन सब में लूपिंग वगैरह का यूज करते हैं, जिससे किसी काम को आप जैसे आप प्रिंटर से कमांड देते हो एक ही पेज को 10 बार प्रिंट करे, तो एक ही पेज को 10 बार प्रिंट करने का मतलब आपने लूप दे दिया उसमें, लूप में आपने बताया यही वाला पेज 10 बार निकले प्रिंट निकले, तो सॉफ्टवेयर का यूज होता है वहां भी। आप इस सॉफ्टवेयर को इस कोडिंग को समझेंगे तो आप अच्छे सॉफ्टवेयर बना पाएंगे जो कि आजकल कंप्यूटर में यूज करते हैं। आप बहुत सारे ऐप यूज करते हैं, एंड्रॉयड ऐप यूज करते हैं ना, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक ऐप यूज करते हैं, आप पीडीएफ पढ़ने के लिए ऐप यूज करते हैं, तो बहुत सारे जो ऐप यूज करते हैं वो ऐप बनाने से पहले क्या करना होता है, ये कोडिंग पढ़ते हैं सब जो उस ऐप को बनाते हैं। तो जब वो कोडिंग समझ में आ जाती है, उन्हें प्रोग्रामिंग समझ में आ जाती है, तो उस प्रोग्राम की कोडिंग करके वो ऐप बनाते हैं, और एक बार ऐप बनाने में बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है,
लेकिन एक बार कोई ऐप बन जाता है तो उसे बहुत लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। जैसे कि व्हाट्सएप, व्हाट्सएप को बनाने के लिए बहुत टाइम लगा होगा, बहुत लोगों ने मिलकर कोडिंग की होगी, लेकिन एक बार बन गया तो अब उसका इस्तेमाल आप लोग सभी जानते हो कितना ईजी हो गया है किसी तक डाटा पहुँचाना। तो इस प्रकार से हम लोग अच्छे ऐप का निर्माण कर सकते हैं, हम बना सकते हैं अच्छे अच्छे ऐप अगर हमें ये सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप एक बार इसे अच्छे से समझ लो, तो फिर मैं अब आपको व्हाइल लूप का यूज करके बताता हूँ। अगर आपने नोट कर लिया हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो मैं आपको व्हाइल लूप का यूज करना बताऊंगा। व्हाइल लूप से एक प्रोग्राम बताऊंगा, यही प्रोग्राम सेम व्हाइल का यूज करके बताता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे रफ करूँ, आप सबको क्लियर हो गया है? बहुत अच्छे, आप सबने कमेंट में बताया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया, और आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग कमेंट करके बता रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है समझाने में। मुझे समझाने में तब मजा आता है जब सामने वाले समझें और लाइव रहें, रिप्लाई करते रहें कि हाँ क्लियर हो रहा है, कुछ पूछते रहें प्रॉब्लम हो, तो समझाने में मजा आता है मुझे, नहीं सभी टीचर्स को। अगर आप लोग रिप्लाई दें, आप लोग कोऑपरेट करें लाइव क्लास में प्रॉपर, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने। अब व्हाइल लूप के बारे में बताता हूँ, बस चेंज कर दिया मैंने, व्हाइल लूप का बता रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल। ठीक है, बाकी देखिए आप ये लाइन जो देख रहे हैं ये हर प्रोग्राम में होगा, ये ब्रेस भी हर, ये चार लाइनें कॉमन है हर प्रोग्राम C++। इसके बाद सेम वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जितने वेरिएबल की जितनी मेमोरी की जरूरत पड़ती है उतने डिक्लेयर कर सकते हो आप कॉमा लगा के, आई पी टी जैसे चाहो जितनी मेमोरी। अभी फिलहाल में एक की जरूरत है, एक डिक्लेयर कर दिया। अब कंडीशन लगा दो व्हाइल, उससे पहले आई की इनिशियल वैल्यू आप यहीं पे दे दो, आई वन से शुरू हो जाए, और कंडीशन व्हाइल में दे दो, व्हाइल मतलब लूप है, और इसमें इस कंडीशन क्या है, व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 100, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 है तब तक इस काम को करो। क्या काम करना है वो अब बता रहा हूं, प्रिंट करना है, सी आउट आई। अब आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर अलग से लगाना पड़ता है, सेम प्रोसीजर है, लिखने का प्रारूप डिफरेंट है। इसमें इनिशियलाइजेशन यहाँ हो गया, कंडीशन यहाँ हो गई, इंक्रीमेंट यहाँ लग गया, फॉर लूप में एक ही लाइन लग जाता है। आई प्लस प्लस के बाद इसको क्लोज किया और गेट सी एच फंक्शन लगा दिया, जिससे भी आउटपुट इसमें हमारे सामने बनी रहे जब आउटपुट देखने को। अब ये आपका प्रोग्राम है व्हाइल लूप का यूज करके वही 1 to 100 प्रिंट करना है। इसमें क्या लॉजिक है मैं आपको समझाता हूँ। एक वेरिएबल ये आई और आई का प्रारंभिक मान यहाँ दे दिया 1, ये डिक्लेयर हो गया आई की वैल्यू 1 है। 1 को लेके आया, आई की वैल्यू लेके आया, आई की वैल्यू जो भी है क्या वो 100 से छोटी है? हाँ, आई की वैल्यू 1 है तो 100 से छोटी है। ओके ठीक, ओके है तो प्रिंट कर दो। आई को प्रिंट किया, आउटपुट देखो ऐसा आएगा, आउटपुट में आएगा 1, फिर आई में इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू हो गई 1 से 2। जब 2 होगी तो ये डायरेक्ट प्रिंट करके 2 को कंट्रोल लेके यहाँ आएगा चेक करने, क्या आई की वैल्यू जो 2 हुई है बढ़ के वो 100 से छोटी है? यस छोटी है। अगर 100 से छोटी है तो अगेन इसे प्रिंट करेगा आई की वैल्यू को, इस बार आई की वैल्यू 2 है, फिर आई की वैल्यू 2 में इंक्रीमेंट होगा ये करेगा। देखिए आप यहाँ भी आई ही प्रिंट हो रहा है, यहाँ आई को ही चेक किया जा रहा है, आई को ही इनिशियल वैल्यू दी गई, आई में इंक्रीमेंट हो रहा है, सारे काम आई नाम के वेरिएबल के अंदर हो रहे हैं। आई के अंदर जो वैल्यू है उसे ही चेक किया जाएगा, उसी में ही इंक्रीमेंट होगा, उसी को ही प्रिंट किया जाएगा। तो ये बात आप समझ लें, एक मेमोरी ली है आई, आई की वैल्यू 1 ली, 1 छोटा है 100 से, कंडीशन 2 मिली, आई को प्रिंट किया, मतलब आउटपुट में आपको आई मिला, मतलब आई मतलब 1 मिला, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, ऐसे 100 तक ये वैल्यू बढ़ती रहेगी, कंडीशन चेक करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, और जैसे ही कंप्लीट काम हो जाएगा 1 to 100 का,
आपके सामने स्क्रीन पे आउटपुट में 1 से लेकर 100 तक प्रिंटेड दिख जाएगा। तो ये हुआ आपका वाइल लूप का यूज करके प्रोग्राम। देखिए ये काम फोर वाला ही काम वाइल ने भी किया, लेकिन वाइल के लिखने का तरीका अलग है, इसी को सिंटैक्स कहा जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले तीनों का सिंटैक्स ही बताया था कि इसे लिखा कैसे जाता है। तो मैंने आपको बताया था वाइल में सबसे पहले कंडीशन लिखी जाती है और फिर स्टेटमेंट लिखा जाता है, जबकि डू वाइल में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर कंडीशन लिखते हैं। तो मैं डू वाइल आपको इसके तुरंत बाद अब बता देता हूँ, तो तीनों क्लियर हो जाएगा और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। आपके क्लास टेस्ट के लिए 2 चैप्टर्स डिसाइड हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। सभी बच्चे मैक्सिमम लाइव हैं इस समय, तो आप पूरी बात समझ रहे होंगे। 2 चैप्टर्स आपके क्लास टेस्ट के लिए फर्स्ट और सेकेंड क्लियर है, और थर्ड चैप्टर जो रनिंग में है इसको अभी क्लास टेस्ट में नहीं दिया जा रहा है, इसका रिटर्न वर्क आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप कर लेना इसको कंप्लीट। और चौथा चैप्टर कल से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत दिनों से चल रहा है, इसमें इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे रफ करके मैं डू वाइल और बता देता हूँ आपको, तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक रफ कर देते हैं और स्क्रीनशॉट तो आप कभी भी वीडियो दोबारा चला के ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ डू वाइल लूप का उदाहरण। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के बाद अब हमने लिख दिया आई की इनिशियल वैल्यू, यहीं पे दे देंगे अपन, और लिखेंगे डू में सीधा प्रिंट करने वाली बात लिखेंगे सी आउट आई एंड एल, आई प्लस प्लस बंद किया ऐसे, आई प्लस प्लस दिख रहा होगा, उसके बाद ब्रेस क्लोज किया मैंने, अगर विजिबल ना हो तो मैं उस साइड लिख देता हूँ आपको प्रॉब्लम ना हो, देखेंगे उधर लिख रहा हूँ। यहाँ पे आई प्लस प्लस और ब्रेस क्लोज करेंगे, अब कंडीशन लिखते हैं इसमें डू वाइल while i less than equals to 100, ये क्लियर हो गया होगा। डू में पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, कंडीशन बाद में चेक, लूप एक बार जरूर चलता है इसमें अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, ये मैंने आपको बताया। और वाइल में पहले ही कंडीशन लिखते हैं, इसलिए वो प्री टेस्टेड लूप होता है और ये पोस्ट टेस्टेड लूप है, पोस्ट मतलब बाद में कंडीशन चेक करना, तो ये भी वही काम करेगा, आउटपुट में 1 to 100 ही प्रिंट करेगा। समझ में आ रही होगी बात आपको, 1 to 100 प्रिंट करेगा ये भी, लेकिन इसका तरीका अलग है लिखने का, तीनों के लिखने के तरीके अलग है, काम करने का वही प्रोसीजर है, ये कंडीशन को चेक करते रहना है और बार बार कितनी बार चलाना है ये काम कर सकते हैं। एक बात और बतानी है आपको, अगर आपको ये चेक करना है कि 100 से 1 प्रिंट करना है, वो भी मैंने आपको लॉजिक बताया था, तो आई की प्रारंभिक वैल्यू जो है इनिशियल वैल्यू 100 देनी पड़ेगी, और यहाँ बताना पड़ेगा आई की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 ना हो जाए, मतलब 1 से बड़ी है मतलब 99, 98, 97 तो 1 से बड़ी वैल्यू है और 1 के बराबर, तो 100 से 1 तक अगर प्रिंट कराना है तो आप यहाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दो और यहाँ कंडीशन में बता दो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो 100 से 1 तक प्रिंट करेगा। अगर आपको 1000 तक कोई कह प्रिंट करने के लिए तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको केवल ये बताना है आई लेस देन इक्वल्स टू 1000, केवल इतने छोटे से चेंज से ये 1 से 100 तक की बजाय 1 से 1000 तक प्रिंट करेगा। 10000 प्रिंट करना है, 10000 लिख दो, लूप को जो बताओगे कंडीशन उतनी बार चलेगा। ठीक है बच्चों, आज के टॉपिक के लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही, सभी को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अभी कमेंट करके बता दीजिए, अपने पास 4-5 मिनट का समय और है, अगर कुछ भी डाउट है तो मैं बता दूंगा किसी भी। क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे, इसे बहुत अच्छे से तैयार करो आप लोग। अब हम अगली क्लास में जो है नेक्स्ट चैप्टर सिलेबस देख के मैं बताता हूँ आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है।
ठीक है बच्चों, बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड डे बच्चों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। क्वेश्चन पूछते रहें।